सरकार महोदय जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। वही राम दरबार में आपके लिए एक पावन प्रसंग रखा हुआ है जिसे आप चुन कर लाएंगे, जिसे हम आप और जम्मू दर्शक गृह जुड़ेंगे। आइए, हार्दिक अभिनंदन स्वागत है। बहुत ही सुंदर है सफेद गणवेश लिए हमारे इस मंच पर आए हैं। एक ही रंग में रंग कर दिखाई दे रहे हैं बढ़िया अनुशासन में, एक ही रंग में रंग कर दिखाई दे रहे हैं बढ़िया अनुशासन में। सादर पूर्वक विराजमान होइएगा संतो, बिछा हुआ यह आसन में, बिछा हुआ यह आसन में चलिए। और इन संतों का स्वागत के लिए और मुकुट कृषिदार यहाँ पर लिखते हैं, बैठी देखी कुशासन त्रिजटा मुकुट कृषिदार, राम राम रघुपति जपते सतत नयन जल जात। बहुत सुंदर उत्तरकांड दोहा क्रमांक, उत्तरकांड दोहा क्रमांक एक का एक खा खा के माध्यम से आप रामचरित मानस की यात्रा करेंगे। और चलिए स्वागत पाते पाते हम आपके संक्षिप्त पर्चे मानस पटल पर रखने का प्रयास करेंगे। मानस पटल की ओर देखेंगे, देवी तरह से चलकर के स्वागत के लिए नीतू पंच उपस्थित समर्थन के उपस्थित हमारे सरपंच महोदय मिलेश्वरी दिलीप साहू जी, उनके स्वागत के लिए मैं इंद्राणी दीवार आपसे सादर निवेदन चाहूंगा कि कुछ समय आप धर्मपुर को छोड़कर हमारे सरपंच महोदय जी का स्वागत करने के लिए आने की मान कृपा करेंगे। हमारे बीच में उपस्थित है हमारे गांव के तमाम सारे चीना तो वो कौन है बैठे कुर्सी में देना, हमारे गांव के तमाम है तो अगर हम सम्मान करना चाहेंगे तो कहते हैं साहू जी आपसे सादर निवेदन है कि हमारे दमान श्री तुलसीराम जी का गुलाल एवं अमेर से स्वागत करने की मान की बात करेंगे। स्वागत के करीब के प्रसाद में मैं हमारी सुश्री दीवान जी से सादर निवेदन चाहूंगा कि हमारे जनमानस को दर्शन को संबोधित करने की मान कृपा करेंगे। चलिए अब उद्बोधन की कड़ी में आप लोगों को जोड़ता हूँ। उद्बोधन के सबसे पहले उद्बोधन के लिए श्रीमती शारदा लोकनाथ साहू जी जनपद अध्यक्ष
आपसे हम ज्यादा निवेदन चाहेंगे कि दो शब्द संक्षिप्त में हमारे जन समुदाय को संबोधित करने की मांग करते हैं। बहुत ही सम्माननीय हमारे बीच में उपस्थित है हमारे बहनी राजकुमारी दीवान जी और बहुत ही सम्माननीय ये गांव के प्रथम नागरिक सरपंच महोदया और हमारे बीच में उपस्थित है गांव के दामाद हमारे तुलसी भाई और हमारे बीच में उपस्थित है हमारे लखन भाई और हमारे मंच में मंचासीन सबको हमारे भाई बहन और एक कार्यक्रम के आयोजन करता सम्माननीय संचालक महोदय शिव कुमार जी और सम्माननीय संरक्षक भाई कृष्ण कुमार सम्माननीय हमार श्री दुलरवा राम साहू जी सम्माननीय उपाध्यक्ष महोदय गजेंद्र अष्टबंधु जी सम्माननीय ईश्वर साहू जी और सम्माननीय दिलीप कुमार जी सम्माननीय होमेंद्र जी सम्माननीय सचिव देवन अष्टबंधु जी सम्माननीय दौलत साहू जी सम्माननीय रवि कुमार साहू जी और समस्त ग्रामवासी और आयोजक समिति हमार माता बहनी मन आप सबके से चरणों में वंदन करत हूँ नमन करत हूँ प्रणाम करत हूँ आप सब लोग हमन हाँ आप मन के बीच में भाषण तो नहीं कह सको दो शब्द बोल के हम मन इजाजत चाहबो कवर हमन आप मन के साथ में आप मन के दर्शन करे बर एक मुलाकात करे बर गांव गांव पहुँच जथन हमार भाई मन के माया गुलाल ला पा के ज्यादा दौरा कर लेथन तो आज आप सब ला बहुत बहुत बधाई देवत हों अभी हमार राजीव कुंडी मनाए हैं और महाशिवरात्रि कार्यक्रम भी आते है और रामायण के आयोजन के आप सबला बहुत बधाई शुभकामना आज ये धर्म मंच जिन सजे प्रभु श्री रामचंद्र जी के ये आप सबके एक एक व्यक्ति के तन मन धन और कीमती समय के देन के अब प्रभु श्री रामचंद्र जी के कृपा है तब ये धर्म मंच सस्ते तो हम सब ला अपन जीवन में एक कीमती समय ला नहीं खोना चाहिए पल दो पल प्रभु के श्री रामचंद्र जी के नाम लेवर गुणगान सुनेवर जरूर अपन समय ला देवन जेमें हमार जीवन हमार पारिवारिक जीवन भी धन्य हो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी धैर्य और शांति के प्रतीक रहिस जिन मन हमार जीवन में रामायण एक ऐसे दिव्य ग्रंथ है जे हमार पारिवारिक जीवन के सार है पारिवारिक जीवन में हम कैसे जीना है ये जीवन जिए के कला सिखाते हर कांड में आप मन सुनो प्रभु श्री रामचंद्र जी के गुणगान सुने से अपन जीवन में एक अलग अनुभव होते आज हमार बीच में बच्चा मन आए तो हमला संस्कार से और धर्म से जोड़ना है तो वास्तविक में ऐसा आयोजन में हमार बच्चा और नवयुवक मन जरूर शरीक करना चाहिए आज मोबाइल और टीवी के जमाना है तो हम अपन परिवार में कम से कम चार दिशा में देखन चार जन व्यक्ति है तो चार ठन मोबाइल है
कोई ना एक दूसरा से बात करे कि हम एक दूसरा से सलाह लेके जरूरत नहीं समझे, तो क्यों ना हमन कम से कम परिवार में हमला एकता लाए बर, संस्कार लाए बर, प्रेम बनाए बर, संगठन बनाए बर, रात्रि के भोजन ना एक टाइम तो कम से कम हम सब मिलके बैठ के खान, जेमे दिन भर के दुख दुख ला हम चर्चा कर सकन। और दूसरा बात, लड़का मन अगर बाहर में है तो वह सोचे कि मोर माँ बाप इंतजार करत हो मोर भोजन करे बर, मोर बिना नहीं खाहे, नहीं दोस्ती यारी तो दिन भर हो गए लेकिन भोजन के समय जरूर मैं घर पहुंचो। जे लड़का 12 बजे अवैया रही वो लड़का है 9 बजे घर पहुंची, कम से कम कुछ तो हमारे जीवन में परिवर्तन होई, एक मोर मानना है। और दूसरा है रामायण ग्रंथ जेकर से आज हर जगह देखन लड़ाई झगड़ा विवाद, तो ये धैर्य और शांति हमारे जीवन में कैसे आई। प्रभु श्री रामचंद्र जी अपन त्याग करके माता पिता के बात ल सुन के राज सिंहासन में बैठे बैठे बैठत बैठत तत्काल माँ बाप के आदेश में 14 वर्ष के वनवास निकल गए, तो का आज हमारे जीवन में हम कुछ नहीं कर सकल। ये छोटे छोटे चीज हमारे जीवन के बहुत बड़े मायने रखते, जिला हम अपन जीवन में उतारे के प्रयास करन, जहां हम त्याग और समर्पण के भावना से आगे बढ़न वहां जरूर सफलता मिली और जरूर एकता और प्रेम मिली। और दूसरा, जिन अगर कोई काम करे पर हम संकल्प कर ले, माता सबरी जिन हमारे छत्तीसगढ़ में ही सिवरी नारायण में नौभा ज्ञान के भक्ति मिलीस, ज्ञान मिलीस प्रभु श्री रामचंद्र जी ओकर जोखे बेर थईस, तो माता सबरी बचपन से लेकर एक संकल्प लेके प्रभु श्री रामचंद्र जी आएंगे, उन्होंने जीवन भर इंतजार किया, माता सबरी के इंतजार पूरा होए। अगर हम प्रेम से एक विश्वास से अगर हम कोई संकल्प लेके कोई काम करना चाहें तो जरूर वो संकल्प पूरा होते और जरूर वो विश्वास में हमारे कार्य सब। तो हमारे भक्ति में इतना शक्ति है, विश्वास में इतना शक्ति है, जहां हम कोई काम करना चाहें वहां कोई असंभव नहीं है। आज हर नारी मन के संख्या हर जगह जहां दिखते, अभी बहुत सुंदर हमार भाई मन बता रही है बेटी मन के बारे में, और यहां भी एक उदाहरण दिखत है कि हमार मातृशक्ति मन सबसे ज्यादा दिखते, शिक्षा स्कूल के जगह में भी देखो तो हमार बेटी मन के स्थान ज्यादा है। तो ऐसा जगह में हमार बेटा मन भी काबर आगे नहीं आ सके, ये थोड़ा सा मनन करे के बात है। तो आप सब मन ला ज्यादा नहीं बोलो, प्रभु श्री रामचंद्र जी की कृपा आप सब पर बनी रहे, हमेशा सबके जीवन में खुशियां और शांति बनी रहे, आप सबके परिवार सुखी रहे, ये गांव हमेशा निरंतर प्रगति करे, इन्हीं भावना के साथ आप सब मन बुला सम्मान देव ओकर पर बहुत बहुत धन्यवाद देते हो। और आप सबका प्रणाम करते हुए हमार आयोजक समिति ला अपन तरफ से 2000 रुपया दे के ये गलत हो, बहुत बहुत धन्यवाद भाई हो। जय हिंद, जय सियाराम, जय बजरंग बली, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। अब अगले उद्बोधन के लिए मैं सुश्री राजकुमारी दीवान उपाध्यक्ष अनुसूचित जनजाति आयोग एवं मंदिर अध्यक्ष साहब को आपसे मैं संक्षिप्त उद्बोधन के लिए आमंत्रित करता हूँ। बोले श्यामपति राम चंद्र जी जय।
गाँव गई जनता की जय। तीन दिवसीय संगीतमय भव्य मानस गान प्रतियोगिता कार्यक्रम में उपस्थित हमार जनपद पंचायत के अध्यक्ष श्रीमती शारदा साहू जी, श्रीमती मिलेश्वरी साहू जी के गाँव के सरपंच, हमारे पूर्व से आए हुए भाई तुलसीराम साहू जी, कार्यक्रम के संचालक श्री शिव कुमार जी, संरक्षक श्री कृष्ण कुमार जी, अध्यक्ष हैं दुलारवा राम साहू जी, उपाध्यक्ष गजेंद्र अष्टराम जी, श्री कोषाध्यक्ष श्री साहू जी, उप कोषाध्यक्ष श्री दिलीप कुमार जी, सचिव श्री मोहनेन्द्र जी, सचिव श्री रेमन अष्टरंगी जी, संयुक्त सचिव श्री दौलत साहू जी, संपादक श्री शिव कुमार साहू जी एवं समस्त गांव के हमार भक्तगण एवं यहां पर उपस्थित ग्रामवासी, आज बड़ी ही हर्ष का विषय है कि ग्राम भैंस बोर्ड में तीन दिवसीय मानस गान प्रतियोगिता का कार्यक्रम आयोजित है। अभी हम लोग आए तब उत्तर बस्तर का रामायण कार्यक्रम चल रहा था और हम लोग सुने उसको, बहुत अच्छा लगा। और यह कार्यक्रम एक भक्ति में तो होता ही है, साथ साथ ये कार्यक्रम बहुत ही संगीत में रहता है। इस कार्यक्रम में सुनने का बहुत जगह मौका मिला है, आज भी मौका मिल रहा है, तभी तो यहाँ पे बैठ के सुने हम लोग भगवान राम की कथा से पूरा माहौल एक भक्तिमय हो जाता है उनकी कथा सुनकर। और आज यहाँ इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं सब हमारी महिला बहनें तो बहुत ज़्यादा दिख रही हैं, भाई लोग भी हैं, पुरुष भाई लोग, लेकिन आज भक्ति में देखा जाए तो महिलाओं की भागीदारी बहुत अच्छे से रहती है। और महिलाओं और बालिका जो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ या जो है कथन जो हम सबके लिए लागू होता है, तो बिल्कुल बेटियों को पढ़ाना चाहिए, आगे बढ़ाना चाहिए। आज सबसे आगे हमारी बेटी है जो पढ़ लिख के सबसे ज़्यादा लड़कों से भी ज़्यादा है और हर जगह उनका नाम चलता है और नाम कमाती है। इसी प्रकार हमारे आज जो हम कथा सार में आज ले हुए हैं श्री रामचंद्र जी के, श्री रामचंद्र जी एक ऐसे महापुरुष है जो जिनको उनके पिता के द्वारा 14 वर्ष की वनवास हुई, लेकिन उन्होंने एक ही पल में जाने के लिए तैयार हो गए और 14 वर्ष तक वनवास ले रहे हैं। श्री रामचंद्र जी एक धैर्य रखने वाला महापुरुष है जिन्होंने धैर्य रखते हुए 14 वर्ष की वनवास किए। अब उसके साथ माता सीता और भाई लक्ष्मण भी गए, उन्हें तो ले जाना नहीं चाहते थे, लेकिन उन्होंने अपनी मर्जी से उनके साथ गए। और माता सीता एक बच्चे के धर्म का पालन किए और भाई लक्ष्मण एक भाई का भाई के रूप में अपना पूरा समय दिए और भगवान श्री रामचंद्र जी के चरणों की पूजा करने वाले ऐसे भाई हो रहे हैं उनके साथ में। तो ऐसे प्रेम भावना वातावरण बना रहे जो हमारे कथासार में रामायण में जो हम लोग सुन रहे हैं पढ़ रहे हैं, तो इस तरीके से भावना भाईचारे की रहना चाहिए। लोगों में प्रेम भावना हो, दूसरे के प्रति प्रेम करें और अच्छा सीख मिले। रामायण में बहुत सारे हम लोग भक्ति के माध्यम से और जो रामायण का कथासार है जो बहुत सारे हमारे वक्ता अच्छे अच्छे कविता के माध्यम से और कई कथासार के माध्यम से बताते हैं, वो बहुत ही ज्ञानवर्धक रहता है। हम सबको उनका अमल करना चाहिए, अपने आत्मा को बस आना चाहिए ऐसे शब्दों को जो हमें
भक्ति के मार्ग पर ले जाते हैं और आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करते हैं। तो ऐसे जो कथा वाचक रहता है उसको सुनना चाहिए बिल्कुल ही। और हमारे क्षेत्र में तो लगातार बहुत जगह 3 दिवसीय मानव सम्मेलन आ ही रहे हैं, तो पूरे क्षेत्र हमारे अभी रामायण से बड़ा बोर है और ऐसा होना ही चाहिए। साल में कम से कम एक बार होना चाहिए। हमेशा व्यक्ति काम करता रहता है, अपने अपने काम में व्यस्त रहते हैं, लेकिन 3 दिन के लिए समय जरूर निकालना चाहिए जो हमें आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करता है। भक्ति के मार्ग पर, धर्म के मार्ग पर लोगों को सहयोग करने के लिए तो इस तरीके से जो कार्यक्रम होता है उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। और बिना भक्ति के इंसान अधूरा रहता है। भक्ति हम सबके जीवन के लिए एक महत्वपूर्ण अंग है। कहा जाए तो बिना भक्ति का किसी को कुछ नहीं मिलता। भगवान की पूजा करो, आराधना करो, कुछ न कुछ नहीं देते हैं। और आराधना करने से मन को शांति मिलती है। भगवान के दरबार में जाओगे तो मन एकदम प्रफुल्लित हो जाते हैं, शांत चित्त हो जाते हैं। वहाँ पे किसी का ध्यान नहीं आता, लेकिन एक बार भगवान का ध्यान जरूर आता है। तो भगवान के भक्ति में ये लीन रहें और यहाँ पे कथा सार को सुनते रहें। बस मैं इतना कहना चाहती हूँ आपको कि हमें आगे बढ़ाने के लिए बहुत प्रेरित करती हैं ऐसे रामायण कथा और ये भक्ति भाव धार्मिक जो ये कार्यक्रम है। आज हमारे इस गांव से मुझे आवेदन मिला था मैदान संतरीकरण के लिए, तो मैं उसको प्रयास करूँगी कि इस गांव में मैदान संतरीकरण की राशि आए और बिल्कुल ही इनके लिए मैं प्रयास करूँगी यहाँ तक पहुँचे। और यहाँ का जो मैदान है, खेल मैदान है, स्कूल मैदान, उसके लिए मैं मंत्री साहब से निवेदन करती हूँ उसको जोड़ने के लिए कहीं कहाँ है और वो जरूर जुड़ेंगे। बस मेरा प्रयास रहेगा कि आपके गांव में विकास हो। और जितना भी आवेदन आया था मैंने पूरा पहुँचा दिया है, जो जो मंत्री का विभाग है उसको। मैं इसमें पूरा प्रयास करूँगी आपके गांव में जो जो विकास कार्य के लिए हैं वो पूरा हो। और मैं पूरा ही प्रयास कर रही हूँ कि जितना जल्दी हो सके हम आ जाए, हम काम चालू हो जाए। बस मैं इतना कहकर अपना बात समाप्त करती हूँ। जय हिंद, जय श्री राम। धन्यवाद दीदी जी। निजी जातन के बीच में थोड़ा सा जानकारी देना भूल गए हैं। 16 तारीख के मोर यहाँ मड़ेली में समाज कल्याण विभाग के शिविर लगे थे, तो शिविर में जानकारी देना चाहूँ मैं हाँ कि डॉक्टर भी आई। अब हमला जब अभी जनपद में बैठे हैं आपके आशीर्वाद से, तो पेंशन के बहुत समस्या होते हैं। एकर निराकरण करे पर करके विकलांग नंबर, विकलांगता जेकर प्रमाण पत्र भी बनवाना है, ओकर पर डॉक्टर भी आई। और विकलांगता के बेस पे कौन कौन सा अगर पेंशन बन सकते वो काम वो दिन फार्म भरा जाए, तो आप मन हाँ 16 तारीख के ग्राम मड़ेली में शिविर के आयोजन रखे हाँ, तो आप मन जरूर पहुँचो। जेकर जेकर जो जैसे परेशानी हो विकलांगता बेस पे, तो यही कहीं के पनवानी का विराम देगा। तो धन्यवाद भाई हो। और हमारे भाई अभी बोली से स्कूल के समतलीकरण पर, तो अगर सरपंच महोदय कुछ राशि दी पंचायत से तो समतलीकरण जो होते हैं खेल मैदान के नाम से स्कूल के अंतर्गत मंदिंगा से बोल के वो काम अपन कराया करा के करबो, तो आप काम लेके आ जाओ। धन्यवाद भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। अब अतिथि विदाई हेतु मैं शिव श्री राजकुमार दीवान जी, अनुसूचित जनजाति आयोग एवं मंत्री दर्जा प्राप्त उनके विदाई हेतु सरपंच श्री वीरेश्वरी दिलीप साहू आपसे मैं सादर निवेदन करूंगा कि हमारे अतिथि का एक श्रीफल और साल से विदाई करने की मान कृपा करेंगे।
श्रीमती शारदा लोकनाथ साहू जी जनपद अध्यक्ष पूर्व उनकी विदाई हेतु मैं रेवती साहू पूर्व सरपंच रेवती साहू जी पूर्व सरपंच आपसे मैं निवेदन चाहूँगा कि हमारे अध्यक्ष महोदय का विदाई करने की महान कृपा करें। साथ ही हमारे बीच में उपस्थित सरपंच महोदय विदाई के लिए मैं चमेली साहू पंच आपसे सदन में निवेदन चाहूँगा कि हमारे सरपंच महोदय का भी विदाई करने की महान कृपा करेंगे। चमेली पंच मैं रवि कुमार साहू जी आपसे मैं ऐसा निवेदन करना चाहूंगा कि तुलसीराम साहू जी पत्रकार ग्रुप का विदाई करने की मान कृपा करेंगे। चलिए आगे संचालन के लिए मैं संचालक महोदय को माइक करता हूँ। बोले लगन के रामचंद्र जी जय। और चलिए और चलिए यात्रा साधक पावन मंच विगत कई बरस ले सजा थे यू बरस सजे है आपके ग्राम भैंसोर में और जेवा सत्संग करे के सौभाग्य हम मन मिले है श्री कृष्ण मानस परिवार बावन लाख बने करल नमन करो। अरे बहुत बढ़िया बात तो ये है कि हम आपके चारों सेटिंग ग्राम जी हैं चाहे कोजारी भैंसबोर सेमरा इत्यादि सब जगह एक संग्रह हुआ थे और हमार सौभाग्य जनपद अध्यक्ष न सबो जगह हम पहुंचावत थे और सबो जगह बिल्कुल बराबर सहयोग राशि सब जगह प्रदान कर दी। आओ अब कबेर ले हमन राजकाज के चर्चा में मगन रहे लेकिन अब मैं निवेदन कर दो समस्त श्रोता समाज ला अब थोड़ी देर राम काज में लग जाते हैं। राम काज के अंतर्गत या राज काज के अंतर्गत काका होई के सुने हो राम काज के अंतर्गत अब काका होने वाला है। आओ सुने
प्रभु श्री रामचंद्र जी हमारे जीवन के रावणत वाला बोहला सारी दुर्गुण ल मिटा के विभीषण जी का राज्य तिलक दे चुके हैं। और वो कर बात हनुमान जी महाराज ला भारत वापस भेज थे और अपन उन्हें हवाई लंका में काबर भेजी सुनी और तब पता चलते जे दोहा नंबर एक था अंतिम सोपान उत्तर का एवं लिखे बैठे देख कुशासन जटा मुकुट कृषगात बैठे देख कुशासन जटा मुकुट कृषगात राम राम रघुपति जपत स्रवत नयन गर्जा भगवान राम राजा बने के बाद विभीषण कहे कि महाराज मोर चल अब राज दरबार में थोड़कन आराम कर ले आसन पा ले और वहां थोड़कन अपन पौरी के धुर रख दे ऐसे कही और तब भगवान राम का किस मैं आपको बता दूं देख विभीषण मैं कोनो तो घर जाके कुछ समय या कुछ दिन रहा था तो याद रख मैं मोर प्यारा भाई भरत ल दुनिया में नहीं पाऊं तोर कोस गृह मोर तोर कोस गृह मोर सब सत्य वचन सुन भात भरत दशा सुमिरत मोही निमिष कल्प समझात एकत सेकंड हमोर पर कलप कलप के समान है काबर जाता मैं भी नहीं जा सका हूं तोर राज को सहा मोरे से मैं आपके घर में जाऊंगी तुरंत हनुमान जी भेजते और भेजी का हनुमान जी है वो नंदीग्राम में पहुंच के भरत के दर्शन देखते कैसना है ओकर चर्चा हम आपके बीच में करे बढ़ते हुए दूसर महोदय है एक भजन पश्चात आपके बीच में ये एकर बारे में जाने प्रयास कर को लखन चेहरा से कीजिए गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तत्मय श्री गुरु नमः लखन श्याम Thank you.
जय गणेश गिरिजा सुवन मंगल बोल सुजानी। बिनती हर दम दास के देहु अभय वरदान। नित्य नेम कर प्रातही पाठ करो चालीस। तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीश। सौवत चौसठ ज्ञान स्तुति चालीसा सी वही पूर्ण किन्हि कल्याण। एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास। स्वाति सलिल रघुवंश मणि चातक तुलसीदास। बैठे देखि कुशासन जटा मुकुट कृषगात। राम राम रघुपति जपत स्रवत नयन जल जात। सियावर रामचंद्र की जय। उपस्थित जनमानस हम आप सबके तरफ ले मानस के मुख्य पात्र प्रभु श्री रामभद्र नमन करथन। आप सब लोग ही मानस में आमंत्रण पेश करता हूँ। समस्त मातृपक्षला पितृवर्गला जम्मूल संग्रह मानस में आमंत्रण भेजता काबर की प्रतियोगिता मंच एक समय की सीमा से आबद्ध रहते समय ज्यादा नहीं रहे और तेकर स्थिति ज्यादा यति होती गोठिया के समय ल नष्ट करना नहीं चाहो। प्रसंग में चर्चा करके अपन जीवन ल धन्य बनाए प्रयास करते। प्रस्तुत प्रसंग में पूज्यपाद गोस्वामी जी महाराज के कहना है बैठे देखि कुशासन को नहा कुंडला बैठे कामा बैठे देखी। ये बात है कौन हा कौन ला और कामा बैठे देखी ये में लिखे है बैठे देखी कुशासन जटा मुकुट कृष्णगार। तब हनुमान जी हा भरत जीला कुश के आसन में बैठे देखी जेकर सिर में जटा के मुकुट है। तन बहुत दुबला पतला हो गए है और वह राम राम रघुपति चपत और निरंतर आंखी में आंसू बहत है। ये बात के चर्चा हम आपके बीच में एक एक शब्द के चर्चा करना चाहबो। हम आप विचार कर तन बैठे देखि कुशासन। अच्छा देखिस तब कौन है तो हम आप सब जानते हैं हनुमान जी है। पर विचार करो हनुमान जी है देखिस तो बैठे भरत जी ला लेकिन हनुमान के रूप में नहीं देखिस। हनुमान के रूप में नहीं आए हनुमान जी के अनुमान ला में कहना चाहूं वो विप्र रूप में आए। राम विरह सागर मह भरत मगन मन होत। ये दोहा नंबर एक के का हम चर्चा कहां में करना है और मैं बोला था वो का कह रहे। राम विरह सागर मह भरत मगन मन होत। विप्र रूप धरि पवन सुत आई गयो जन पोत। माने विप्र रूप धर के आए है वो बैठे देखि कुशासन। भरत जिला कुशासन में बैठे दिखत है। अच्छा तो ऐसे काबर तो मैं निवेदन करता हूँ सेती कि हनुमान जी है विप्र बन के देखते और तब सही दिखते और देखते देखकर जीवन धन्य हो जाते तेकर सेती विप्र रूप धर के। नहीं तो आप हम सब जानथन ये है श्री राम जी भेजे है हनुमान जी ला जा भैया जल्दी बता दे ते बता दे आवत ऐसे की के कोनो प्रकार के अहित मत हो एक बार भेजे है ना। और ये जब आए तो साफ साफ बानर के रूप में आतिश हनुमान जी है कपि के रूप में आतिश लेकिन यह विप्र रूप में एक वृद्ध ब्राह्मण के रूप में आए का खासियत हो ही का मतलब हो ही हम जाने प्रयास करें। वो एक सेती कि हनुमान जी महाराज हम आप सब ले बता देना चाहते कि विप्र रूप में आए के बहुत बड़े कारण है ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण या जो प्रज्ञावान हो वो विप्र
विप्र रूप में आए के कारण यही है कि हकीकत में आके जन सांत्वना प्रदान कर ही भरत ल तबे भरत ल शांति मिली। बोले काबर कि मोला विप्र आके बतावत है तो निश्चित है वो कभी असत्य असत्य वादन नहीं करे। और तेकरे से हनुमान जी महाराज विप्र बन के आए हैं। मैं आप मन लगती तो हनुमान ने भगवान राम के घोषणा है 192 नंबर दोहा हमर मानस के प्रथम सोपान में विप्रेन सुर संत हित लिन मन अवतार। और तेकर से विप्र बन के आते हैं और नहीं तो विप्र बन के और कोई दूसरा कारण नहीं हो सके। एकरे कारण यह विप्र बन के आते हैं। और बहुत बड़े में बड़े बात तो आप ये कहो हनुमान जी ला पंच प्राण में गिने जाते। पंच प्राण की थे सुग्रीव प्राण बचे हनुमान जी विप्र बन के। पूरा बानर सेना मरना चाहत रिश्ते बचे हनुमान जी है। दूसरा तीसरा श्री सीता जी के प्राण बचे। चौथा लक्ष्मण जी के प्राण बचे। आज पांचवा भरत जी के प्राण बचावत है। और देखकर कारण पंच प्राण कहे जाते हनुमान जी वो देखत है। बैठे देख कुशासन जटा मुकुट कृषगात। ये बैठे बैठे है तो कुश आसन में बैठे। अच्छा एला देखी हनुमान जी है विप्र देवता है तो एला लिखे का जरूरत। बैठे देख कुशासन तो बैठे है ते देखी तीनों लिखे का मतलब तो मैं भैंस गोड़ वाले मतलब बता दू। हनुमान जी महाराज है देखिस बैठे ना तो कामा बैठे तेल बताना चाहते। तेकर कारण कहीं बैठे देखी कुश आसन। कुश के आसन में बैठे है माने आज बहुत बड़े संकेत प्रदान करते हम आप सब ला। यद्यपि राज काज करते चित्रकूट से वापस आके भरत जी महाराज हा पादुका ला राज सिंहासन में स्थापित कर देंगे। औ नित पूजत प्रभु पावरी प्रेम नहीं दे समाती मांगी मांगी आयसु करत राज काज बहु भांति। वो राज काज करत ना ओकर से आज्ञा मांगते पादुका से और आज दिन भर का काम करना है तेन ता और पता चल जाते। राज काज बहु भांति वो राज काज करत है। अच्छा राज काज करत है तेकरे से भी कहीं कुशासन कुश के आसन में बैठे के विचार करो। ये कुशासन के मतलब का हम आप सबके घर में या सबके सियान मतलब जानकारी है कुश के का विशेषता कुश का लगी थे। जैसे पितर पाक में हमर सियान मन पितर देवतर पानी देवर दुबिम दे देते लेकिन विशेष बात है कुश में देना चाहिए ऐसे मान्यता है ना भाई। अतः कुश में काबर देना चाहिए कुश में एकर से दी देना चाहिए कि अपन कुश ल देख लू अक्का लंबा रही कुश है तब पाछू डहर भले कहीं नहीं पर आगू रह एकदम नोकीला रही। उसके अगला भाग है बिल्कुल नुकीला रीति। लेकिन मतलब ये है कि कुश के आसन माने ज्ञान के आसन में बैठी है। अक्का बड़ा ज्ञान है अक्का बड़े ज्ञान के आसन में बैठे हैं कि भरत जी महाराज जैन आसन में बैठे हैं या जैन राज चलावत भरत जी है। मैं निवेदन करता हूँ ये यही राम राज जल्ला है। और आप मन से वादा करके कहा जैन राज भरत चला है कुश आसन में बैठे वैसा राज तो राम राज आए के बाद भी राम के द्वारा भी वो राज नहीं चले। और तेकर से की हम आप सब से निवेदन कर यदि आप कोई राज काज करो अपन घर के मुखिया बनाओ तो निश्चित है कुश में बैठो माने ज्ञान में अधिक रहा। आप ज्ञान में बिल्कुल अडिग रहा और बिल्कुल कोनो प्रकार से आप ला मोह में या भेदभाव में समाज घर परिवार इत्यादि ला नहीं चलाना चाहिए। तेकर से थी कहीं बैठे देखी कुश आसन। भरत जी महाराज कुश के आसन में बैठे हैं। एक बात तो कहो मैं आप मान ला प्रभु श्री राम भद्र जी महाराज ला बिहा हो गए तेकर बाद दशरथ जी महाराज बहुत अच्छा खुशी मनाते और कहते मैं एला आसन में बैठाना चाहूं इसी के
और तभे वो राजा बनाकर पूछे जाते गुरुदेव ला। और तब भगवान राम सिंहासन में बैठना पसंद नहीं करे। भगवान राम सिंहासन में नहीं बैठे, बोले काबर एकर से थी कि यदि मैं परासन माने दुल्हासन दुल्हा रूप में दुल्हासन में बैठे के बाद कोनो सिंहासन में बैठ जाऊं। तब जते भी भैंस गोड़ वाले हैं तेमन सब के सब सीधी सीधा बरासन माने दुल्हासन के बाद में सीधा सिंहासन में बैठ जही। और राज काज कैसे चलाना चाहिए खुद पता नहीं है तो का चला है। और देखकर से भगवान राम नहीं नहीं हम संकेत प्रदान करते, बरासन में बैठे के बाद तोला कुशासन मृगासन एमा बैठ, तेकर बाद सिंहासन में बैठे तो सही ढंग के राज ला चला सकते, अन्यथा ते राज नहीं चला सकते। एकरे स्थिति में निवेदन करता हूँ भगवान राम चित्रकूट में पहले कुशासन में बैठते, लंका में जब पहुंचते तब मृगासन में बैठते और तेकर बाद सिंहासन में बैठते। आज हमर भरत भाई कुशासन में बैठे थे ला हनुमान जी महाराज विप्र रूप में देखा थे। बैठे देख कुशासन जटा मुकुट कृष्ण कुशासन में बैठे है। ओकर बाद कहीं कि ये एक राजा के काम करत है, एक राजा है तो राजा के भीतर राज मुकुट होना चाहिए है ना भाई। जैसे आज भी मान्यता है कोनो घर में कोनो सियान के जाए के बाद दूसर ओकर बाद वाले सियान बना देते, का सियान बनावत समय हमर घर परिवार के मन या गांव के मन एक ठन कपड़ा लाकर मूड में पागा बांध देते है नहीं, इसने करते ना तो ओकर मतलब का उही हरे मुकुट। अब ओला भरत जी महाराज बांध के रखे है लेकिन वो कोनो कपड़ा उपड़ा नहीं बांधे। बैठे देख कुशासन जटा मुकुट कृष्णा, जटा के मुकुट बना माने जटा चला राज मुकुट या भी केला हम अपन ऊपर में जिन धारण करे है ओला राज मुकुट वो जटक बने है और अन्य चीज की नहीं बने तो ऐसे काबर अलग से नहीं ले लेती इसका। अच्छा अच्छा कपड़क बांध लेती राज मुकुट बंसीर ला, बोले नहीं इसे नहीं। एकर कारण कि जटा के ही मुकुट एकर कारण बना के रखे है कि ताकि अन्य जन मुकुट है तेन ला काम निकले के बाद वो मुकुट ला निकाल दिया जाता है। लेकिन भरत के कहना है नहीं एक राजा ला राज मुकुट पहिरे के बाद बोला नहीं निकले तो इसना के मुकुट बना पहिर। और आप मन देखे हो चाहे कोनो जगह बात होए मुकुट ला बिहाव बरोबर बिहाव समय पहनते याद करो आप मन, लेकिन वो मुकुट ला बिहाव हो इस तरह निकाल देते है और निकाले के बाद नदियम सरो देते है मर बहिनी मन। समय परे कछु और है समय फिरे कछु और, तुलसी भावर के परे नदी सरावत मौर। वो तरिया नदिया वो मौर ला वो मुकुट ला सरा देते ठंडा कर देते। लेकिन कहीं आप एक विवाह के बाद में राजा बन चुके हो तो राज मुकुट तो का के हो जे ला कभू सराए ना जा सके बहाए ना जा सके ठंडा मत करे जा सके। आप हमेशा वो मुकुट ला पहिरे चरा तेकर बर जटा के मुकुट। और निवेदन करो आप मल्ला भगवान शंकर एक रेसिपी बिहाव हुई ना तो अलग से ये भैंस बोल ले ले के मुकुट नहीं पहने। शिव ही संभुगन करे ही श्रृंगारा जटा मुकुट अहि मौर संवारा, जटा के मुकुट बना के ही दुल्हा बन के गए हमारे शिव जी है। तो ठीक इसी प्रकार से श्री भरत जी महाराज बैठे देख कुशासन जटा मुकुट कृष्णगात, जटा के मुकुट बना है कुशासन में बैठे माने ज्ञान में आरूढ़ है बिल्कुल पक्का विश्वास में बैठे। विश्वास में वो ये बैठे है शरीर अगर बिल्कुल दुबला पतला हो गए है लेकिन अगर बात भी अतका विश्वास में बैठे है वो है कि बिल्कुल 14 साल पूरा हो ही
और 14 साल पूरा हुई तब निश्चित है, अभी एक दिन बाकी है। 14 साल जैसे ही पूरा हुई मोर राम आही, ये विश्वास में बैठे है। ये भरत जी महाराज के कुशासन में बैठना ये संकेत करते हमला, बिल्कुल विश्वास में बैठे है। मैं आप मैं एक चीज बता दू, श्री भरत जी महाराज हनुमान जी महाराज अभी नहीं आए और केवल एक दिन बाचे हैं, तब भरत जी महाराज व्यवस्था करके रख चुके हैं। अन्य रामायण में इसे चर्चा आते या ऐसे हम लोग देखे मिलते कि भरत जी महाराज वो नंदीग्राम में चीता बना है, चीता और चीता बना के सुरक्षित रखे चीता ना, बोले कावर मान लो 14 साल बीत ही और कोनो मोर राम नहीं आई, ते चीता में मैं अपन आप लग जला के भस्मीभूत कर दूं, राख कर दूं। और बोले एकर से ती कि कहीं न कहीं मोर दोष है, कहीं न कहीं मोर गलती है, तब मोर राम नहीं आवे, और नहीं तो मोर गलती नहीं हुई तो निश्चित है मोर राम आही। तेकर से ती बैठे देख कुशासन जटा मुकुट कृष्णार, ये प्रकार से वो पीछे। कोनो कोनो अंतिम शब्द के चर्चा कर रहा हूं, ये दोहा के शुरू और धाली के आखिरी शब्द की चर्चा, जटा मुकुट देकर बाद कृष्णार, एक शरीर एकदम दुबला पतला हो गया, भरत जी के शरीर दुबला पतला हो गए हैं। तब कोनो कोनो कहें अरे यार मस्त खाए पिए कर, मस्त खाए पिए कर, ऐसा आराम से रहकर ठसके साथ रहना चाहिए। तब भरत जी महाराज बहुत बढ़िया बात बताते, कही इसकी देख भाई, भले ही भगवान के भक्ति में ईश्वर के याद में या कुशासन में बैठे के बाद या जटा के मुकुट पहने के बाद शरीर दुबला पतला हो जाए पर बीमार नहीं पड़े, कहीं वो हष्ट पुष्ट शरीर जतके बेर जैन मन लगे तेन खा, जैसने मन लगा तैसने कर, तो निश्चित है भले ते अभी हष्ट पुष्ट दिखा था, कौन दिन कतके बेर तबियत खराब होगी तेकर ठिकाना नहीं है, लेकिन किस का शरीर दुबला पतला भले है मैं निवेदन करता हूं, लेकिन ठोस है वो कबू कर तबियत खराब होने वाला नहीं है। काबर वो एकर सेती है कि बिल्कुल राम राम रघुपति जपत सर्वत्र नयन जल जाए।